में बड़े मुश्किल किरदार सबके, तो कास्टिंग करने में मुश्किल पेश आई या कैसे की आपने कास्टिंग सारी? सर कास्टिंग हमने चाय के होटलों में बैठ के की, इसको एक हफ्ते तक चाय के होटल में बैठ के मनाता रहा। मिट्टी का दावा करता है दावा। मैं बिजली का बिल भेजने वाले शावा भाई। वेलकम टू मजाक राज। थैंक यू सो मच। और हनी भाई आप इस प्रोग्राम की जान है, दाऊद भाई आप, सरदार साहब आप, आप लोग जान है इस प्रोग्राम की सर। लव यू बॉस। और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी एक जफ्फी की जड़ी आज पई। जान तो पहले जेबां चेक कर लेना। और प्लीज सिर्फ मेरे कल्ले दिया नहीं, मेरे नाल दो लोग और। जब बंदा अद्धा घंटा बीवी को फेंटी खान तो बात कर रहा है, निकल की दिल की बड़ास। Sir, looking graceful like always, and I wonder कि अपनी 20s और 30s में तो सही हसीनाओं के दिल लूटे होंगे आप। आए, ये तो वो हसीनाएं बता सकती हैं। नहीं नहीं, हसीनाओं ने आपको कभी बताया नहीं? नहीं, मेरा ज़्यादा इत्तेफाक हुआ नहीं उनसे ये ऐसी गुफ्तगू करने का। आप इत्तेफाक में बरकत पे यकीन नहीं रखते? नहीं, मेरी शादी जल्दी हो गई थी इसलिए। किस उम्र में शादी हुई थी आपकी? I was 28. 28 साल बहुत होंगे नहीं जी साढ़े अर्गे खज्जल होने। आप लोग तो उन अगले 28 का भी इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं होना जो कह रहे हैं। अच्छा एसएम भाई, बताइए ना वो बात कि जब आप हीरो बनने के लिए आए तो आपने आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके कानों में किसी डायरेक्टर की पड़ी जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े डायरेक्टर बन गए? असल में हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो कि अपनी जगह वहीं सरगोशी करती रह जाती हैं कानों में सारी उम्र के लिए। जब मैं एज हीरो एक फिल्म कर चुका था और वो फिल्म लग नहीं रही थी, खैर जब वो फिल्म मैंने देखी, पंजाबी की फिल्म थी, तो मैंने दुआ भी की कि यार ये ना ही लगे तो अच्छा। आपकी दुआ कबूल भी हुई? मेरी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद मैं तब तक ये फैसला कर चुका था कि अच्छा एक्टिंग को खैराबाद कहते हैं और अब कैमरे के पीछे जिसका मुझे शौक भी था उसको शुरू करते हैं। तो जब मैं उस प्रोडक्शन हाउस में पहुंचा, वहाँ जो मैं तो थर्ड असिस्टेंट था, जो वहाँ पर एसोसिएट असिस्टेंट थे सारे, वो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और उन्होंने कहा कि ये आप इसमें से प्रॉप्स जो है वो निकाल के और वो देखें सारा। मैं उठ के अपनी टेबल पे जाके बैठ गया तो उन्होंने जो दूसरी असिस्टेंट थी, सेकेंड असिस्टेंट थी, उनसे कहा कि देखो जी अब ये एक्टर भी ये काम करेंगे। तो वो अल्फाज जो हैं वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि अच्छा एक्टर भी ये काम करेंगे। तो कभी कभार मोटिवेशन के लिए वो जो सरगोशी है मेरे कान में वो अभी भी मुझे उतना ही मोटिवेट करती है जितना वो फर्स्ट डे को कर रही थी मुझे। क्या बात, कई बार जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एसएम ताली साहब। देखते रहिए मजाक राज। सर जी, अली फला और इंसान बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट और करेक्टर्स उसमें बड़े मुश्किल किरदार सबके, तो कास्टिंग करने में मुश्किल पेश आई या कैसे की आपने कास्टिंग सारी? सर कास्टिंग हमने चाय के होटलों में बैठ के की, इसको एक हफ्ते तक चाय के होटल में बैठ के मनाता रहा। ये वही मिलता था मुझे। अच्छा, अच्छा वो कैरेक्टर इतना मुश्किल था, वो एक ट्रांसजेंडर का किरदार था। ये अपनी उस ड्राइव में था कि ये एज हीरो आना शुरू हो रहा था और नहीं, अभी नहीं आया था। कुछ जगह सेकंड लीड कर रहा था, कहीं विलन कर रहा था, तो और एकदम जब मैंने इस पे बैंग दिया कि यार एक ट्रांसजेंडर का किरदार करना है, तो पहले दो दिन तो शायद ने ये बुरा मनाया इसने। फिर कन्विंस किया इसको, बहुत कम था वो कैरेक्टर। आप लोगों को बताऊं मैं पूरे सीरियल में, वो हालांकि बहुत रजिस्टर्ड कैरेक्टर हुआ, वो पूरे सीरियल में 43 एपिसोड्स का वो सीरियल था, उसमें इसके सिर्फ 24 सीन्स थे। तो आप सोचें कि 24 सीन में भी कभी कभार एक किरदार जो है वो लाफानी हो जाता है। आप क्यों रिजिस्ट कर रहे थे वो कैरेक्टर ना करें? नहीं, मैं रिजिस्ट सिर्फ एक बात पे कर रहा था। क्या? कि सीन बहुत कम थे। मैं इतनी मेहनत कर रहा था कि किसी तरह मैं हीरो तक मेरा हाथ पड़ जाए। हुआ क्या, एक हफ्ता तो मैं डामाडोल, क्योंकि एसएन भाई को कौन ना करेगा, ये किसी और तरह का काम करते हैं,
जब इन्होंने आखिरी दिन मुझे कहा ना करना ही तो कर, नहीं करना तो ना कर, मैं कहा फाइन मैं कर रहा। अच्छा, और हमने उसमें इतना इंजॉय किया बहुत ड्रामे में, और उसके बाद इमरान तकरीबन साल डेढ़ साल तक यूं ही यूं कर सरदार साहब के साथ हमने ड्रामा किया फैसलाबाद में, तो वहां पे चौधरी का बेटा बना हूं मैं, तो मैंने बंदूक पकड़ी तो मैं अंदर एंटर हुआ तो मैं सीधे हो जाओ वे। अच्छा, मैं और एसएन भाई कनाडा में, आयशा जी अब हम जा रहे हैं रास्ते में, पहला पहली कनाडा का अवार्ड, मैं कहा एसएन भाई मैं जीत जाऊंगा। एसएन भाई कहते तेन तेरी नॉमिनेशन हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। जीते जीते ना जीते। अब हुआ क्या, मेरी शर्ट, मैंने मुझे पता एसएन भाई ना बात पक्की करते हैं, स्मार्ट आदमी है ना, समझदार आदमी है, तो मुझे लगा आज मुझे अवार्ड शायद नहीं मिलना। अब मेरी शर्ट बाहर निकली हुई है और मैं ना यूं करके बैठा हूं इनके साथ ही। अच्छा, अब नॉमिनेशन जब शुरू हुई है तो शरीफा ने आगे पूछा कि एनी गेस। अच्छा, तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे लोग देखते हैं, मुझे जानते हैं इतना। सर 10,000 का हॉल था वो, 14,000 14,000 का क्राउड था, और एक ही आवाज आना शुरू हुई, इमरान इमरान। मैं उठ के ना शर्ट अंदर करना शुरू की थी। और अब एकदम ही आवाज आई एंड द विनर इज इमरान अशरफ। मैं एहसन भाई को भी नहीं मिला, मैं कहा इनका इरादा ना बदल जाए।